नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उमा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। ये बेटी मेरी चुन्ना, मैंने चाय चढ़ाया, इसको दूध दिया। जब भी चाय बनाओ इसको भी दूध से चाय पियो ना, तो बहुत दूध मांगती है। फिर इसको दूध दिया, पी लिया है। अब जितनी देर मन होगा यहाँ पर बैठेगी, किचन में खाना बनाऊंगी, यहीं पर बैठी रहेगी। बस मन हो जाएगा तो जाके कमरों में सो जाएगी। मैं जा रही हूँ बनाने खाना। क्या बनाऊँगी आज? मैं बनाऊँगी भरुआ रसे वाली बैंगन की सब्जी। तो चाय मैंने चढ़ा दी है। चाय क्या हाल है देखूँ जरा। चाय तो मेरी ठीक है, चाय मेरी पक रही है। और यहाँ पे मैंने हल्दी को कूट लिया है और जा रही हूँ उसको भून लेती हूँ। यहाँ पर मेरी मेथी भी भून लूँगी और वो भी भूनूँगी, खड़ी धनिया भी भूनूँगी, खड़ी मिर्चा भी डाल दूँगी तो वो भी हल्के भून जाएंगे। फिर बैंगन काटूँगी। यहाँ पर मैंने प्याज छील लिया है, प्याज और अदरक। और अभी लहसुन छीलूँगी। तो जा रही हूँ पहले मसाला भून लूँ। मेरी घर की मेथी है, मेथी कभी खरीदती नहीं, मैं खड़ी धनिया खरीदती हूँ। काटे ले रही हूँ बैंगन। बैंगन में चार भाग में काटती हूँ। ऐसे ऐसे में कीड़े भी पता चल जाते हैं और पूरे में मसाला भी हो जाता है बैंगन में। देखिए चार भाग ना करती ना, यहाँ से काट देती ऐसे तो ये बिल्कुल भी ना दिखता सड़ा। देखिए यहाँ से कीड़े हैं। ये मेरा निकला है एक तो खराब बैंगन, इसको निकाल रख देते हैं किनारे। अब जा रही हूँ भून, पीस लेती हूँ मसाला। यानी लहसुन प्याज अदरक पीसूँगी। ये मेरे बैंगन कट गए, छौंकने के लिए तैयारी हो गई। जा रही हूँ जल्दी से पीस लेती हूँ मसाला। ये देखिए मेरा सलबट्टा मसाला रख गया, अब जल्दी से पीसी ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने पीसते समय नमक ले लिया है कि ये देखिए मेरा मसाला बन पीस के तैयार हो गया। इतनी प्याज लगी है कि आंखें नहीं खुल रही, बहुत प्याज लगती है। अब अरे ले रही हूँ बैंगन में, इस चाकू से भरूँगी तो अंदर तक भर जाता है। ये देखिए मेरे अच्छी तरीके से बैंगन भर गए हैं। और यहाँ पे सिलबट्टा इतना सा जरा सा मसाला बचा था वो धुल के ले आई हूँ, तो इसको रस्सी में डाल दूँगी। अब छौंक रही हूँ सब्जी। चारों तरफ से काटने से ना अंदर तक इनके पूरे मसाला पहुँच जाता है। छौंक दे रही हूँ सब्जी जल्दी से। हींग जीरा भी डालूँगी क्योंकि बादी होते हैं ना बैंगन, थोड़ी से जीरा भी डाल दूंगी और हींग भी डाल दूंगी। We'll be right back.
इनको ढक के छोड़ दिया, थोड़ी देर पकेंगे फिर इसको फिर पलटा दूंगी, फिर थोड़ी देर पकेंगे अच्छे से ये तल जाएंगे ना तब पानी डालूंगी। जब तक जा रही हूँ मैं आटा गूंज लेती हूँ। देखो इनको मैंने पलट दिया है, ये अच्छे से पकेंगे, मसाला भी पकता जाएगा, ये भी पकते जाएंगे। तो अभी इनको फिर से ढके दे रही हूँ, आटा मैंने गूंज लिया है और चाय दे रही हूँ, जगा रही हूँ पापा को साहिल के, और साहिल का तो ये लोग चाय पियेंगे। और आज मेरे को तैयारी भी करनी है, कल को कन्या खिलाऊंगी तो आज तैयारी करूँगी। ये क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में कुछ कुछ भूल जाता है, तो जो जो तैयारी वैसी होंगी तो करके शाम के रख लूँगी। अभी काम करने के बाद शुरू कर दूँगी क्या क्या करना है और क्या क्या मंगाना है। तो कुछ तो पापा ले आएंगे तो, और कन्या हैं जैसे तो साहिल को भेजूँगी। पहली बात तो यार हमारे यहाँ कन्या नहीं मिलती हैं, बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बहुत मुश्किल से जो चार पाँच मिल जाएँ। तो देखते हैं कितनी मिलती हैं, जितनी मिलेंगी उतनी ही खिला दूँगी, क्योंकि कल संडे है, कल पंचमी भी है, तो कल इसलिए खिला दूँगी क्योंकि पापा इनके घर पर रहेंगे, साहिल भी रहेगा नहीं, फिर बहुत जल्दी जल्दी मस्ती है, बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं, पेपरों की वजह से जल्दी कोई आएगा नहीं जल्दी, इसलिए कल खिला दूँगी मैं कुंवारी। और 9 दिन तो ऐसे भी किसी भी दिन खिला सकते हो, तो आज तैयारी करूँगी, कल खिलाऊँगी कन्या। साहिल उठ के आ गया है, उसको सोने दो, जब ब्रश कर लो। साहिल की कल से थोड़ी तबीयत गड़बड़ है, उल्टियाँ हो रही थी कल कई रात, थोड़ी पेट में मम्मी दर्द हो रहा, पेपर भी चल रहे हैं, थोड़ी इसको दिक्कत हो गई थी, पर सही हो जाएगा, कल दवा दिया था, नहीं तो लग रहा था पेपर छूट जाएगा क्या, पर गया था पेपर देने, आराम है, सही हो जाएगा, हो जाता है, बच्चे हैं खा पी लेते हैं। साहिल की गड़बड़ हो गई तबीयत कल, ना करो उसको सोने दो, तो कैसे सो रही है, अनी सो रही हो क्या, सो रही हो, सोने दो, देख बता रही कि सो रही हूँ, आँखें कितनी चमक रही हैं, जाओ ब्रश कर लो साहिल। देखिए साहिल से कुछ कह रही है, क्या कह रही है, कैसे बैठी हुई है, क्या हो गया, खुजी करा रही हो, हाँ करा लो, देखिए मेरे बैगन कितने अच्छे से तल गए हैं, अंदर का मसाला भी पक गया है। चार भाग करके बनाया करिए आप लोग, अंदर का मसाला पूरा पक जाता है, किनारे से कट कर दो ना तो पूरा ना बैगन अच्छे से वो होता है ना मसाला वो रहता है। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, चार भाग करती हूँ, अच्छे से मसाला भी पक जाता है, बैगन ही देखते अच्छे लग रहे हैं। अब अच्छे से तल गए हैं, मसाला पक गया, अब इस पर डाले दे रही हूँ, जो मसाला का धुला पानी था ना ये, इसको डाले दे रही हूँ, थोड़ा और डाल दूँगी तो रसा हो जाएगा। देखिए मेरी सब्जी कैसी लग रही है आप लोगों को, अभी थोड़ा पानी कम हो जाएगा, जल के लटपटी टाइप की हो जाएगी सब्जी, गाढ़ा गाढ़ा रसा की। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ साहिल के पापा के टिफिन में पैक करने का। अभी आई हूँ साहिल को छोड़ के, बाहर तक चला गया था और भूल गया था ज्योमेट्री बॉक्स और अपनी वो स्केल सब भूल गया था, तो लेने आया था दोबारा, लेके चला गया। अब किचन से फुर्सत हुई हूँ, अब बाहर का काम शुरू करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी बाहर, सबसे पहले तो बाहर जाऊँगी झाड़ू लगाऊँगी, धुलाई करूँगी, फिर अंदर आके करूँगी झाड़ू पोछा। आज कपड़े भी धुलना है, कपड़े भी धुलूँगी, बिस्तर मैंने सही कर दिया है, बड़ा सुबह सुबह से काम लगता है। और काम करते करते साहिल आ जाएगा स्कूल से, तो फिर जाऊँगी कन्या बोलने, क्योंकि हमारे मोहल्ले में बहुत करते करते साहिल आ जाएगा, फिर जाएंगे दोनों लोग कन्या को देखें कहाँ कहाँ मिलती हैं, पाँच ही मिल जाएंगी, छोटी बहुत देखते हैं, तो मिलती हूँ सीधा साहिल के आने के बाद। साहिल को बोला कन्या बोला ना, तो बोला रहा था मुझसे नहीं बोलते बने मम्मी, आप बोलने जाना। देखती हूँ, बिट्टू था तो बिट्टू बोला था, देखते हैं कितनी मिलती हैं, क्या हो गया। अभी ये टहलते घूम रही है, अभी ये जाके सो जाएगी, उठेगी कब, जब मैं काम से खा लूँगी, इसको इतना पता रहता 11 बजे तक 11:30 तक खाली होती, उतनी टाइम सो के उठेगी, फिर इसको खाना दूँगी, खा के फिर सो जाएगी, है जंगली पर बहुत अच्छी इसकी आदत अच्छा है। यही नहीं, पहले भी मेरी बिल्ली थी वो भी ऐसे करती थी, पिछले साल 26 अप्रैल की
आसपास ख़त्म हो गई थी, फिर दूसरे लाए थे। एक के यहाँ बिल्ली बच्चे थे तो उन्होंने दे दिया था दो ठो, एक ख़त्म हो गया था, इसका भाई ही बची। मिलती हूँ साहिल के आने के बाद जल्दी से, मैं भी अपना काम करके फुर्सत हो जाती हूँ, मिलते हैं फिर। ये देखो इसकी शैतानी शुरू, रबड़ फटी है तो उसको बार बार पानी पकड़ रही, पकड़ नहीं पा रही है तो मार रही है। देखिए कैसे मार रही, पकड़ रही उसको, पकड़ नहीं पा रही ना मार रही। ऐसे करती, इसी की फाड़ी हुई है, पानी लगा दो रबड़ पानी भरने के लिए, तो ये कड़ीले कड़ीले ऐसे घूमती है कि पूरे घर आंगन में पानी, कमरन में भी ले जाएगी रबड़, इसी की काटी हुई है। इसका काम ऐसे चलता रहेगा, जा रही हूँ काम कर लूँ। पता नहीं मैंने चालू किया था तो क्यों नहीं चल रही थी, बहुत ख़राब आवाज़ कर रही थी तो मैंने बंद कर दिया था। साहिल आ गया पेपर दे के, अब हम लोग खाएंगे खाना, तो ले आए जाके किचन से खाना तो खाते हैं। पता नहीं क्यों साहिल आवाज़ कर रही थी, डरती है। चालू किया था तो चली नहीं रही थी, तुमसे चालू हो गई, आवाज़ कर रही थी भों भों कटर कटर कटर, मैंने बंद कर दिया था। चलो खाना खा के चलते हैं चौराहा, है ना। मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ी बहुत ले आएंगे। मैं नहीं जाऊंगा, कल सच में जाओगे पेपर देने? कल संडे, कहाँ से पेपर है? है पेपर किस चीज का? किसी का। तुमने छोड़ा है? ला मैं काटे दे रही हूँ दोस्तों। चार बाग कैसे धूप मेरी थुनो छो रही है दोस्तों, देखो ये चार बाग लग रही है ना, तो लेटे लेटे सो रही है। चार बाग कितना अच्छा लग रहा है खीरा, देखो। चलो रखो, ये देखो साहिल ने सलाद काट दिया, लगी है तेजी से भूख, ऐसे रहने दो, मुंह से खाना है और दांतों से सब चब जाएंगे। जरा जरा से काटने में ना लगो, जाना है चौरा सामान लेने। चलो लेके आओ एक कटोरी ले आओ, तुमको को सब्जी देनी पड़ेगी ना, ला एक ही में खा लेते हैं ना। सब्जी बनाई अभी, कई रात उसी में खा लूंगा, अब कई रात मेरा सारा सा खाऊंगा, अलग खाऊंगा। मिलते हैं खाना खाने के बाद, अभी जाना है चौरा और जाना है कन्या कहने। दोस्तों आप लोग भी आ जाइएगा कन्या खाने, है ना? अंगूर की लंगूर, अरे बंदर मिलते इसकी तो, इसके तो चबड़ चबड़ होती रहेगी जी, बोलता रहेगा। खाना खाने के बाद मिलते हैं, जाएंगे चौरा सामान मिलाना है, कन्या भी बोलना है, मिलते हैं खाना खाने के बाद। खाना खा रही हो क्या? खा लो। क्या हुआ? चावल निकालू, चना निकालू, खुला दू, चावल साफ करके रख दू। सो गई थी, उठी हूँ अभी 6 बजे। बड़ी थकान हो जाती है, चौर आ गई सामान लेने, सामान लेके आई, थक गई थी, लेट के सो गई। काम है आज, आ जाओ। तुम कहाँ बैठी हो? अभी सब तैयारी करके रख लूँगी ना, एक दो लोगों के यहाँ गई थी, शुक्र है कि मिल गई कुंवारी 7 ठो, एक के यहाँ गए थे तो उनको सुबह गांव जाना है 7 बजे।
6:15 बजे तक कह रही थी खिला देना, इसलिए सारा इंतजाम करे ले रही हूँ। मैं चना फुलाए दे रही हूँ, चावल साफ करे दे रही हूँ, गरी कस रह रही हूँ, मेवा सारा तैयार करके रखे ले रही हूँ। सुबह बनाने बनाने को रह जाए, क्योंकि काम भी करना सुबह बहुत काम हो जाएगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये देखिए कैसे स्टाइल से बैठी है महारानी हमारी। मेरी सुबह कन्या खिलाने की तैयारी हो गई है, सारा कंप्लीट करके रखे ले रही हूँ। बनाने को बचेगा, बना लूँगी बस, क्योंकि अकेले बहुत काम लगेगा सुबह सुबह। किसी को गांव जाना है, किसी को कहीं मंदिर जाना है, जल्दी से खिला दूँगी। मैंने सुबह की पूरी तैयारी कर दी, कर ली है कन्या खिलाने को। चौराहे से ले आई हूँ सामान सब, और घर में जो तैयारी करनी थी वो कर लिया। चावल साफ किया, रवा साफ किया, मेवा वेवा काट लिया सब। अब बन रही मेरी चाय, चाय पीऊँ, चाय पीने के बाद खाना बनाऊँगी। तब काम करते करते खाली हुई, फिर साहिल आ गया, खाना खाया। खाना आने खाने के बाद चौराहे से ली, वहाँ सामान वामान लेके आई थी, सामान वामान लेके आई, लेट गई थोड़ी सी, सो गई। फिर उठी हूँ तो चावल साफ किया है सारा, मेवा काटा है, मेवा काट के रवा को साफ किया सारा। मैंने जहाँ तक हुआ तो सारा कंप्लीट कर लिया है। सुबह उठ के झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, नहाऊंगी और बनाना शुरू कर दूँगी। क्योंकि किसी किसी को गांव भी जाना है, किसी को मंदिर जाना है, तो कोई 6:15 बजे निकलेगा, कोई 6:30 बजे, कोई 7 बजे। तो बोल रही थी जल्दी खिला देना, सुबह जल्दी खिलाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि सब लोग अपने टाइम से पहुँच जाए अपने अपने काम पर। तो वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, और शायद गया ट्यूशन पढ़ने। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। ये देखिए, ये मैं चोर आ गई थी, चुन्नी लेके आई थी, फूल लेके आई थी, और सारा मेरा कंप्लीट हो गया। हूँ दो पैसे और चाय ये सब कंप्लीट कर लिया है, सुबह सिर्फ बनाने को रह जाएगा। उसके सारा काम करूँगी, जल्दी से बना लूँगी। देखो इसलिए मैंने जल्दी सारा वो इंतजाम कर लिया है, क्योंकि सुबह मुझे करना ना पड़े, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत कुछ भूलता है। तो सारा मैंने कर लिया। फल वाले इसके पापा ले आएंगे, नारियल ले आएंगे, कह रहे थे मम्मी माला किस लिए है? ले लिया माता रानी चाहने, साहिल के पापा फल वाले ले आएंगे। कि सारा मेरा इंतजाम हो गया, बस सुबह करने को रह गया है बना खिलाने को बस।